खुद से जीतने और खुद से सीखने वालों को मेरा सलाम। नमस्कार, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल NHICS MPPSC में। हम लोग इसमें देख रहे हैं MPPSC प्रीलिम्स की जितनी भी यूनिट्स हैं, उन सभी यूनिट्स के टॉपिक वाइज लगभग 100 वन लाइनर फैक्ट। इसमें हम पढ़ रहे हैं भारत की अर्थव्यवस्था, जो कि यूनिट नंबर 6 का भाग है। जब आप यूनिट नंबर 6 का अंतिम टॉपिक देखेंगे तो वहाँ पर लिखा हुआ है भारत की विदेशी व्यापार की नीतियाँ एवं G20, SAARC तथा ASEAN, ये कुछ टॉपिक का नाम है। संबंधित जो PDF है वह सिविल सर्विसेज क्लब भोपाल के द्वारा प्रयुक्त की जा रही है। आपकी सुविधा के लिए से हम YouTube पर ऑडियो वीडियो फॉर्मेट में लेके आ रहे हैं। हम आशा करते हैं हमारा प्रयास आपको अच्छा लग रहा होगा और आप इसी तरीके से हमें सपोर्ट करते चलेंगे। तो आइए देखते हैं आज का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, भारत के निर्यात आयात से संबंधित शासी निकाय कौन सा है? निर्यात आयात से संबंधित शासी निकाय है विदेश व्यापार महानिदेशालय। अगला प्रश्न, भारत की विदेश नीति किस अधिनियम के अंतर्गत विनियमित की जाती है? तो भारत की विदेश नीति विदेश व्यापार विकास और विनिमय अधिनियम 1992 के तहत विनियमित की जाती है। अगला प्रश्न, भारत सरकार ने पहली बार भारतीय एग्जिम नीति कब पेश की थी? इंपोर्ट एक्सपोर्ट नीति की बात यहाँ पे की जा रही है, तो यह 1 अप्रैल 1992 को पेश की गई थी। भारत की पहली एग्जिम नीति की अवधि कितनी थी? तो जो पहली एग्जिम नीति थी जिसे हमने 1992 में पेश किया था, उसकी अवधि 5 वर्ष थी। अगला प्रश्न, विदेशी व्यापार महानिदेशालय किस मंत्रालय के अंतर्गत कार्यरत है? तो विदेशी व्यापार महानिदेशालय जो है वह वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है। अगला प्रश्न, वर्तमान में विदेशी व्यापार महानिदेशक कौन है? तो वर्तमान में विदेशी व्यापार महानिदेशक की बात करते हैं तो उनका नाम है संतोष कुमार सारंग जो है वह इस समय विदेशी व्यापार महानिदेशक हैं। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। किस वर्ष निर्यात आयात नीति का नाम बदलकर विदेश व्यापार नीति FTP कर दिया गया था, फॉरेन ट्रेड पॉलिसी कर दिया गया था? तो यह किया गया था 2004 में। अगला प्रश्न, वर्तमान में चल रही विदेश व्यापार नीति की घोषणा कब की गई है? तो घोषणा इसकी की गई है 31 मार्च 2023 को, जबकि इसे लागू किया गया है 1 अप्रैल 2023 को। आप ये दो डेट जरूर ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न, मौजूदा विदेश व्यापार नीति में किस वर्ष तक निर्यात को 2 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर तक बढ़ाने का लक्ष्य रखा गया है? तो 2030 तक हमें निर्यात को 2 ट्रिलियन डॉलर करना है। अगला प्रश्न, EPCG का पूरा नाम क्या है? तो EPCG का पूरा नाम है एक्सपोर्ट प्रमोशन कैपिटल गुड्स EPCG का पूरा नाम है। अगला प्रश्न, भारत सरकार का कौन सा मंत्रालय भारत की विदेश व्यापार नीति से संबंधित है? तो विदेश व्यापार नीति से संबंधित मंत्रालय का नाम है वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय। अगला प्रश्न, विदेश व्यापार नीति 2023 का मुख्य दृष्टिकोण कितने स्तंभों पर आधारित है? तो यह 4 स्तंभों पर आधारित है, इसे आप ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि सर्व्ड फ्रॉम इंडिया नामक ब्रांड नेम किस क्षेत्र में सृजित किया गया है? तो यह सृजित किया गया है सेवाओं के निर्यात के क्षेत्र में। आप ये नाम याद रखिएगा, सर्व्ड फ्रॉम इंडिया। अगला प्रश्न, विदेशी व्यापार महानिदेशालय की स्थापना किस वर्ष की गई? तो विदेशी व्यापार महानिदेशालय की स्थापना 1991 में की गई थी। अगला प्रश्न, एमनेस्टी योजना किस विदेश व्यापार नीति में घोषित की गई है? एमनेस्टी योजना जो है वह 2023 के विदेश व्यापार नीति में घोषित की गई है। अगला प्रश्न, विदेश व्यापार नीति 2015 से 20 में देश से वस्तुओं एवं सेवाओं का निर्यात वर्ष 2020 तक कितने अरब डॉलर तक पहुंचने का लक्ष्य रखा गया था? तो यह लगभग 9,900 अरब डॉलर का लक्ष्य रखा गया था कि निर्यात जो है वह 900 अरब डॉलर पहुंचेगा। किस आयात निर्यात नीति ने कृषि संबंधी निर्यातों के महत्व पर सर्वाधिक बल दिया है? तो 2002 से 2007 के मध्य जो आयात निर्यात नीति थी, जो एग्जिम नीति थी, उसमें जो है तो निर्यात संबंधी कृषि संबंधी निर्यातों को महत्व सर्वाधिक बल दिया गया था। अगला प्रश्न कह रहा है कि निर्यात आयात नीति 2002-2007 में सॉफ्टवेयर उद्योग की वैधता को 12 माह से बढ़ाकर कितने माह तक की गई है? तो इसे वैधता को बढ़ाकर लगभग 18 माह किया गया है, ये भी आप ध्यान रखिएगा। विदेशी व्यापार महानिदेशालय के सभी कार्यालयों को कब तक कंप्यूटरीकृत करने की योजना है? तो इसे कंप्यूटरीकृत करने की योजना थी 1997 सितंबर 1997 तक विदेशी व्यापार महानिदेशालय के सभी कार्यालयों को कंप्यूटरीकृत करना था। अगला प्रश्न, विदेशी व्यापार महानिदेशालय का मुख्यालय कहाँ है? तो विदेशी व्यापार महानिदेशालय का मुख्यालय है नई दिल्ली में। अगला प्रश्न कहता है कि विदेश व्यापार नीति 2009 से 2014 की घोषणा करने वाले वाणिज्य और उद्योग मंत्री कौन थे? तो उस समय के तत्कालीन उद्योग मंत्री थे श्री आनंद शर्मा जी। अगला प्रश्न कहता है कि विदेशी व्यापार नीति 2023 में मौजूदा
39 शहरों के अतिरिक्त कौन से चार नए शहरों को निर्यात उत्कृष्टता वाले शहर की श्रेणी के रूप में नामित किया गया है? तो इन चार शहरों के नाम है फरीदाबाद, मुरादाबाद, मिर्जापुर और वाराणसी। ये सभी राज्य उत्तर प्रदेश से संबंधित हैं। अगला प्रश्न, विदेश व्यापार नीति 2023 में वर्ष 2030 तक ई कॉमर्स क्षेत्र में निर्यात क्षमता कितने बिलियन डॉलर की आंकी गई है? तो लगभग 300 बिलियन अमेरिकी डॉलर की ई कॉमर्स निर्यात क्षमता 2030 तक आंकी गई है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। विदेशी व्यापार नीति 2015 से 20 को कोरोना महामारी के कारण कितने वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया था? तो इसे 3 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया था। अगला प्रश्न, भारत सरकार की नई विदेश नीति की समयावधि क्या है? तो नई विदेश नीति जो है उसकी समयावधि 2023 से लेकर 2028 तक 5 वर्षों के लिए है। निर्यात आयात नीति 1992 से 1997 की अवधि 8वीं पंचवर्षीय योजना के अनुरूप रखी गई थी। ये सीधा साफ ये ध्यान कर लीजिएगा कि जो 92 से 1997 की अवधि थी, है ना, वह 8वीं पंचवर्षीय योजना के अनुरूप रखी गई थी। अगला प्रश्न, विदेश व्यापार नीति 2015 से 20 भारत का विश्व निर्यात में 2% हिस्सेदारी को बढ़ाकर 2020 तक कितना करने का लक्ष्य रखा गया है? तो जो 2% की हिस्सेदारी है हमारी विश्व निर्यात में, उसे हमें 3.5 करने का लक्ष्य रखा गया था 2020 तक। अगला प्रश्न कह रहा है कि निर्यात आयात नीति में 1997 से 2022 में पूंजीगत वस्तुओं के निर्यात संवर्धन की योजना के अधीन पूंजीगत वस्तुओं और आयात शुल्क की 15% से घटाकर कितना कर दिया गया है? तो जो आयात शुल्क था उसे 15% से घटाकर 10% कर दिया गया है। अगला प्रश्न कहता है, विदेश व्यापार नीति 2009 से 2014 में फोकस बाजार स्कीम के तहत कितने नए बाजारों को शामिल किया गया है? तो इसमें लगभग 30 नए बाजारों को शामिल किया गया है। अगला प्रश्न, स्कोमेट नीति में स्कोमेट का पूर्ण रूप क्या है? तो स्कोमेट का पूर्ण रूप क्या है? स्पेशल केमिकल्स ऑर्गेनाइजेशन मटेरियल्स इंक्यूपेट एंड टेक्नोलॉजीज का पूरा नाम है। इसे आप ध्यान से देख लीजिएगा एक बार। अगला प्रश्न, G20 का पूर्ण रूप क्या है? तो G20 का पूरा नाम है ग्रुप ऑफ 20। और वर्तमान में इसमें कितने मेंबर हो गए हैं? तो 21 मेंबर इसमें वर्तमान में हो गए हैं और इसका नाम G21 हो गया है। G20 की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो G20 की स्थापना की गई थी 1999 में। अगला प्रश्न कह रहा है कि भारत G20 का सदस्य बनने वाला कितने नंबर का देश था? कौन से नंबर का देश था? भारत 8 नंबर का देश था और यह 2008 में G20 का मेंबर बना था। अगला प्रश्न कहता है कि G20 का स्थायी अतिथि देश कौन सा है? तो स्थायी अतिथि देश की बात करें तो स्पेन G20 का स्थायी अतिथि देश है। अगला प्रश्न, G20 के फाइनेंस ट्रैक का नेतृत्व कौन करता है? तो G20 के फाइनेंस ट्रैक का नेतृत्व करता है कौन? वित्त मंत्री और केंद्रीय बैंकों के गवर्नर करते हैं। अगला प्रश्न है, G20 संगठन विश्व जनसंख्या के कितने प्रतिशत भाग का नेतृत्व करता है? तो G20 के द्वारा लगभग 65% जनसंख्या, मतलब 2/3 जनसंख्या का कुल नेतृत्व किया जाता है। भारत ने किस वर्ष G20 की अध्यक्षता की है? तो भारत ने अभी हाल ही में 2023 में G20 की अध्यक्षता की थी। वर्तमान G20 में कुल कितने संघ शामिल हैं? तो वर्तमान G20 जो 2023 में हुआ उसमें 2 संघ शामिल हैं। उससे पहले यूरोपीय संघ शामिल था और 2023 में हमने अफ्रीकी संघ को भी इसमें शामिल कर लिया है। अगला प्रश्न कहता है कि भारत की अध्यक्षता 2023 के दौरान ट्रॉइका की संरचना क्या थी? ट्रॉइका मतलब 3 देशों का समूह है जिसमें पहले G20 की अध्यक्षता हुई थी वो था इंडोनेशिया, उसके बाद वर्तमान 2023 में भारत में, और अब 2024 में अध्यक्षता कौन करेगा? तो ब्राजील करेगा। तो ये 3 देशों के नाम याद रखिएगा, इंडोनेशिया, भारत और ब्राजील। अगला प्रश्न है, वर्ष 2023 में G20 का कौन से क्रम का शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया था? तो G20 में अभी जो 2023 में शिखर सम्मेलन हुआ 18वां शिखर सम्मेलन था, जबकि 19वां शिखर सम्मेलन ब्राजील में आयोजित किया जाएगा। भारत में आयोजित पहली G20 शेरपा बैठक किस शहर में आयोजित की गई? तो पहली G20 जो शेरपा बैठक थी वह उदयपुर में आयोजित की गई थी। अगला प्रश्न, भारत का G20 सचिवालय कहाँ स्थित है? तो भारत का G20 सचिवालय जो है वह स्थित है नई दिल्ली में। अगला प्रश्न, भारत का G20 की अध्यक्षता की थीम क्या थी? तो भारत में G20 की जो अध्यक्षता की थीम थी उसका नाम था वसुधैव कुटुंबकम। भारत ने यह थीम दी थी G20 में। भारत में आयोजित G20 देशों में के वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंकों के गवर्नरों की पहली बैठक किस शहर में हुई थी? तो वित्त मंत्री और केंद्रीय बैंकों के जो गवर्नर थे उनकी पहली बैठक बेंगलुरु में हुई थी। अगला प्रश्न, G20 2023 में G20 महिला सशक्तिकरण का मंत्री स्तरीय सम्मेलन किस शहर में संपन्न हुआ था? तो यह संपन्न हुआ था गांधीनगर, जो कि गुजरात में है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारत की G20 अध्यक्षता के तहत पहली महिला 20 वुमेन 20 की बैठक किस शहर में आयोजित की गई थी? तो G20 के अंतर्गत ही वुमेन 20 का आयोजन किया गया, जिसकी जो अध्यक्षता थी, जिसकी बैठक थी, वह संभाजीनगर महाराष्ट्र में की गई थी। 19वां G20 शिखर सम्मेलन किस देश में आयोजित होगा? तो 19वां जो शिखर सम्मेलन था G20 का वह ब्राजील में होगा। कब होगा? 2024 में होगा।
अगला प्रश्न, पहला G20 शिखर सम्मेलन कब तथा कहाँ आयोजित किया गया था? तो पहला G20 शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया था कहाँ पे? पहला किया गया था 2008 में USA वाशिंगटन में, और 2008 में भारत भी इसका मेंबर बन गया था। भारत में G20 शिखर सम्मेलन 2023 किस दिनांक से प्रारंभ हुआ? तो प्रारंभ हुआ है 9 दिसंबर 2023 से G20 शिखर सम्मेलन। अगला प्रश्न है, भारत में आयोजित G20 2023 हेतु भारत के लिए शेरपा कौन नियुक्त किया गया था? शेरपा किसे बनाया गया था? तो शेरपा बनाया गया था अमिताभ कांत जी को, और वहीं मुख्य समन्वयक की हम बात करते हैं तो हर्षवर्धन सिंगला जी को मुख्य समन्वयक बनाया गया था। अगला प्रश्न कहता है कि G20 2023 में बायोफ्यूल अलायंस बनाने की घोषणा की गई है। बायोफ्यूल अलायंस है ये, है ना, बायोफ्यूल। तो बायोफ्यूल अलायंस बनाने की घोषणा की गई है, इसके संस्थापक देश कौन से हैं? तो इसके संस्थापक देशों में भारत, ब्राजील और USA शामिल है। अगला प्रश्न कहता है G20 2023 में सदस्य देशों ने किस वर्ष तक वैश्विक नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों को 3 गुना करने की योजना बनाई है? तो हम 2030 तक जो सदस्य देश रहे हैं G20 के, उन्होंने 2030 तक वैश्विक नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों को 3 गुना करने का लक्ष्य बनाया है। 18वें G20 शिखर सम्मेलन के दौरान किस संघ को G20 का स्थायी सदस्य बनाया गया है? तो G20 का स्थायी सदस्य बनाया गया है किसे? अफ्रीकी संघ को बनाया गया है, ये आप ध्यान रखिएगा। G20 शिखर सम्मेलन 2023 में जैव ईंधन का गठबंधन का शुभारंभ कब किया गया है? तो जैव ईंधन गठबंधन का जो शुभारंभ है वो कब किया गया? वो किया गया है 9 सितंबर 2023 को। अगला प्रश्न, G20 में शामिल राष्ट्रों की संख्या कितनी है? तो G20 में शामिल राष्ट्रों की संख्या है 19, और इसमें 2 संघ शामिल है, मतलब कुल 21 इसमें मेंबर शामिल हैं। अगला प्रश्न, G20 2023 के संस्कृत समूह की बैठक का आयोजन कहाँ किया गया? तो संस्कृत समूह की जो बैठक थी उसका आयोजन किया गया था खजुराहो में, और यह 22 से 25 फरवरी 2023 के मध्य आयोजित की गई थी। अगला प्रश्न, मध्य प्रदेश में G20 समूह की साइंस 20 की बैठक कहाँ आयोजित की गई थी? तो साइंस 20 की बैठक भोपाल में आयोजित की गई थी, ये भी आप ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न, चौथी G20 2023 अवसंरचना कार्य समूह बैठक का आयोजन मध्य प्रदेश में कब और कहाँ हुआ था? तो कहाँ हुआ था ये? तो ये हुआ था खजुराहो में हुआ था, ये आप याद रखिएगा 2023 में। अगला प्रश्न, G20 2023 की कृषि कार्य समूह की बैठक कहाँ आयोजित की गई थी? तो कृषि कार्य समूह की जो बैठक है वह इंदौर शहर में हुई थी, ये आप ध्यान रखेंगे। साइंस 20 की बैठक भोपाल में हुई थी, अवसंरचना कार्य समूह की बैठक खजुराहो में हुई थी, और कृषि कार्य समूह की बैठक इंदौर में हुई थी। अगला प्रश्न, 17वें G20 शिखर सम्मेलन का आयोजन किस देश में किया गया था? तो आप ध्यान रखिएगा कि जो 17वां था वह इंडोनेशिया में था, 18वां भारत में था, और 19वां ब्राजील में किया जाएगा। अगला प्रश्न, सार्क का पूर्ण रूप क्या है? तो सार्क का पूरा नाम है दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन, इसे आप ध्यान रखेंगे। स्थापना कब होती है सार्क की? तो स्थापना होती है 8 दिसंबर 1985 को। अगला प्रश्न है, सार्क का मुख्यालय कहाँ है? तो सार्क का मुख्यालय कहाँ है? काठमांडू नेपाल में सार्क का मुख्यालय है। अगला प्रश्न, सार्क का आदर्श वाक्य क्या है? तो सार्क का आदर्श वाक्य है शांति और समृद्धि के लिए गहरा एकीकरण, सार्क का आदर्श वाक्य है। सार्क के संस्थापक के रूप में हम किसे जानते हैं? तो सार्क के संस्थापक के रूप में हम तत्कालीन बांग्लादेश के राष्ट्रपति जिया उर रहमान को जानते हैं। अगला प्रश्न, सार्क के वर्तमान महासचिव कौन है? तो वर्तमान महासचिव की बात करें तो मोहम्मद गोलाम सरवर वर्तमान में सार्क के महासचिव हैं। सार्क के सदस्य देशों की संख्या कितनी है? तो सार्क में वर्तमान में 8 मेंबर हैं, जिसमें बांग्लादेश, भूटान, भारत, मालदीप, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका और अफगानिस्तान शामिल हैं। सार्क की प्रथम महिला महासचिव कौन थी? तो पहली महिला महासचिव थी सार्क की, उनका नाम था फातिमा थियाना साइद जो थी वह पहली महिला महासचिव थी। सार्क के प्रथम भारतीय महासचिव कौन बने थे? तो सार्क के प्रथम भारतीय महासचिव का नाम था कांत किशोर भार्गव सार्क के पहले महासचिव थे। सार्क विश्व के कुल कितनी प्रतिशत जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करता है? तो सार्क के द्वारा 21% जनसंख्या का प्रतिनिधित्व किया जाता है। वैश्विक अर्थव्यवस्था में सार्क देशों की हिस्सेदारी कितने प्रतिशत है? तो सार्क देशों की हिस्सेदारी वैश्विक अर्थव्यवस्था में 3.8% है। दक्षिण एशियाई विश्वविद्यालय यानी सार्क विश्वविद्यालय कहाँ है? तो सार्क विश्वविद्यालय स्थित है नई दिल्ली में। अगला प्रश्न, भारत ने सार्क देशों के उपयोग हेतु सार्क उपग्रह G-SAT-9 का प्रक्षेपण कब किया गया? तो सार्क जो उपग्रह था उसका G-SAT-9 के द्वारा प्रक्षेपण मई 2017 में किया गया था। सार्क शिखर सम्मेलन सर्वप्रथम भारत के किस वर्ष में हुआ था? तो सार्क शिखर सम्मेलन हुआ था नवम्बर 1986 में। अगला प्रश्न, अब तक कुल कितने सार्क शिखर सम्मेलनों का आयोजन किया भारत में हुआ है? तो ये आपके लिए यहाँ पे होमवर्क रहेगा कि कितने जो सार्क सम्मेलन है उसका आयोजन भारत में किया गया है। सार्क में सी का तात्पर्य क्या है? तो सार्क में सी का तात्पर्य क्या है? कोऑपरेशन यानी सहयोग है सी का अर्थ, कोऑपरेशन इंग्लिश में आप ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न कह रहा है कि अफगानिस्तान
की दक्षेस के पूर्ण सदस्य के रूप में कब मान्यता मिली थी? तो अफगानिस्तान को जो मान्यता मिली थी दक्षेस के पूर्ण सदस्य के रूप में, वह 2007 में मिली थी। सार्क के पर्यवेक्षक देशों की कुल संख्या कितनी है? तो सार्क में कुल 9 पर्यवेक्षक देश हैं। सार्क के किस वर्ष को साक्षरता हेतु समर्पित किया था? तो सार्क के द्वारा 1996 को साक्षरता वर्ष के रूप में घोषित किया था। साप्टा समझौता कब से प्रभावी हुआ? तो साप्टा समझौता प्रभावी हुआ था कब? 1 जनवरी 2006 से। SATIS का पूरा नाम क्या है? तो SATIS का पूरा नाम है साउथ एग्रीमेंट ट्रांसपोर्ट इन सर्विस। अगला प्रश्न कह रहा है कि सार्क फूड बैंक और ऊर्जा भंडार की स्थापना किस देश में की गई है? तो सार्क फूड बैंक और ऊर्जा भंडार की स्थापना पाकिस्तान में की गई है। अगला प्रश्न कह रहा है कि सार्क सचिवालय के महासचिव की नियुक्ति कितने वर्षों हेतु होती है? तो 3 वर्षों के लिए महासचिव की नियुक्ति की जाती है। सार्क मध्यस्थता परिषद कहाँ है? तो सार्क मध्यस्थता परिषद है वह पाकिस्तान में अवस्थित है। आसियान का पूर्ण रूप क्या है? तो आसियान का पूर्ण रूप है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन क्या है? आसियान का पूरा नाम है। आसियान की स्थापना कब हुई? तो आसियान की स्थापना हुई 8 अगस्त 1967 में थाईलैंड में हुई थी, 8 अगस्त 1967 में। वर्तमान में आसियान के सदस्य देशों की कुल संख्या कितनी है? तो कुल आसियान में वर्तमान में 11 सदस्य देश हैं। आसियान दिवस हम कब मनाते हैं? तो आसियान दिवस हम मनाते हैं 8 अगस्त को। क्यों? क्योंकि 8 अगस्त 1967 को भी इसकी स्थापना हुई थी। अगला प्रश्न कह रहा है कि आसियान का मुख्यालय कहाँ है? तो आसियान का मुख्यालय है जाकार्ता इंडोनेशिया में। वर्तमान में आसियान के महासचिव कौन है? तो आसियान के महासचिव वर्तमान में है डॉक्टर काओ किम हॉर्न। अगला प्रश्न कह रहा है कि आसियान क्षेत्रीय मंच की स्थापना कब की गई थी? तो आसियान क्षेत्रीय मंच की स्थापना 1993 में की गई थी। अगला प्रश्न, आसियान इंडिया बिजनेस काउंसिल AIBC की स्थापना कब की गई? तो AIBC की स्थापना 2003 में की गई थी। किस वर्ष को भारत आसियान मैत्री वर्ष घोषित किया गया था? तो 2022 को भारत आसियान मैत्री वर्ष घोषित किया गया था। अगला प्रश्न, आसियान का प्रथम शिखर सम्मेलन कब आयोजित किया गया? तो आसियान का प्रथम शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया था 23 से 24 फरवरी 1976 को किया गया था, आप ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न, 43वां आसियान शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? तो 23वां जो शिखर सम्मेलन था आसियान का 43 नंबर का, वह जाकार्ता इंडोनेशिया में किया गया था। अगला प्रश्न, भारत को आसियान द्वारा पूर्ण वार्ताकार का दर्जा किस वर्ष दिया गया? तो भारत को पूर्ण वार्ताकार का दर्जा 1996 में मिला था। अगला प्रश्न, आसियान विजन 2020 कब अपनाया गया? तो आसियान विजन 2020 अपनाया गया था 1993 में। अगला प्रश्न कह रहा है कि आसियान भारत का कौन सा क्रम का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार देश है? तो सबसे बड़ा भागीदार देश भारत है, 4th नंबर का, ये आप याद रखिएगा। और आज का अंतिम प्रश्न, आसियान चार्टर कब लागू किया गया था? तो आसियान चार्टर लागू किया गया था 15 दिसंबर 2008 को। तो इस तरीके से हमने इस टॉपिक के लगभग 100 ऑनलाइन फैक्ट पूरे कर लिए हैं। और इसी के साथ हमारी जो यूनिट 6 थी इकोनॉमी वाली, जिसमें MP और भारत के जो इंपॉर्टेंट टॉपिक दिए हुए थे सिलेबस में, उसे हमने यहाँ पे कवर कर लिया है। तो आप ध्यान रखिएगा, जब भी आपको रिवीजन करना हो तो आप प्लेलिस्ट को प्ले करेंगे और उसे आप 1 से 2 बार सुनेंगे तो लगभग आपका सभी टॉपिक का रिवीजन हो जाएगा। तो चलिए, अच्छा है, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और कोशिश करते रहिए। क्योंकि कोशिश के बिना जय जयकार नहीं होती। हम जरूर जीतेंगे। धन्यवाद।